हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम। ओके, तो देखो बच्चों, सिस्टम किसी भी प्रोसेस में जो टोटल वर्क करता है वो कहलाता है मैक्सिमम वर्क। ओके, उस मैक्सिमम वर्क में से हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क को माइनस कर दें तो अब जो वर्क की वैल्यू बचेगी वो कहलाती है क्या बच्चों, यूजफुल वर्क। मींस हम ऐसा लिख सकते हैं कि W मैक्सिमम इज इक्वल टू W यूजफुल प्लस W एक्सपांशन। ओके, और आगे आ जाए तो W यूजफुल इज इक्वल टू W मैक्सिमम माइनस W एक्सपांशन वर्क। समझ गए बच्चों कि कोई भी सिस्टम प्रोसेस में जितना भी वर्क करता है वो उसका मैक्सिमम वर्क है। मैक्सिमम जो वर्क होता है वो सिस्टम के यूजफुल वर्क और एक्सपांशन वर्क इनके सम के बराबर है। हमें यूजफुल वर्क कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमम वर्क में से क्या ये एक्सपांशन वर्क को माइनस कर दें तो हमें मिलेगा यूजफुल वर्क। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक रिलेशन होता है बच्चों, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू मैक्सिमम। ये है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ओके, डायनामिक्स। अब हम इसे और आगे बढ़ जाए तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस, यहां हम मैक्सिमम वर्क तो यहां लेंगे हम डब्ल्यू यूजफुल। ओके, प्लस डब्ल्यू एक्सपांशन वर्क। यहां तक बस समझ गए, और आगे बढ़ जाए डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू यूजफुल प्लस डब्ल्यू एक्सपांशन, या डेल्टा इज प्लस और ये वर्क को हम यहां लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस डब्ल्यू एक्सपांशन इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू यूजफुल। ओके, यहां तक बात समझ गए होगे, बस मैंने जरा सा यहां चेंज किया। अब डब्ल्यू एक्सपांशन इज इक्वल टू होता है माइनस पी डेल्टा वी। ओके, तो हम इस वर्क को इसमें पुट अप करें तो डेल्टा ई माइनस माइनस पी डेल्टा बी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू यूजफुल। यहां तक बात समझ गए बच्चों, यहां तक सब नोट कर लिया, फिर से समझे, मैक्सिमम वर्क यूजफुल वर्क और एक्सपांशन वर्क का सम है। तो यूजफुल वर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क माइनस एक्सपांशन वर्क। फिर हमने लिया फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जहां डब्ल्यू क्या होता है मैक्सिमम वर्क डन बाय सिस्टम। और आगे बढ़ा दिया हमने, मैक्सिमम वर्क को यहां से ले लिया, यहां तक लिख दिया मैक्सिमम वर्क, और हम यहां से एक्सपांशन वर्क को यहां ले आएंगे। एक्सपांशन वर्क की ये वैल्यू है, इसमें आपने पुट अप कर दिया। अब देखो आगे क्या बन जाएगा, यहां से हटा देता हूं ये मैटर। तो इसके बाद हमारे पास आ गया डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू यूजफुल। ओके, ये है डेल्टा एच, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ओके, तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू यूजफुल। यहां तक बात समझ गए। अब हम आ जाते हैं फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो आप जानते हैं वो है टी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू, सो डेल्टा एच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास टी डेल्टा एस प्लस डब्ल्यू यूजफुल। यहां तक बात समझ गया। और आगे देखो, इसको हम और बढ़ा देते हैं आगे। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डब्ल्यू यूजफुल।
अब देखो बच्चों, वर्क डन बाय, वर्क डन बाय सिस्टम, हमने यहां वर्क डन बाय सिस्टम लिया है, ओके। सो W यूजफुल जो वर्क होगा बच्चों वो कैसा होगा, नेगेटिव, मींस वर्क डन बाय सिस्टम देन वर्क वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और ये रिलेशन अगर हम आए तो डेल्टा T डेल्टा S इज इक्वल डेल्टा G, X माइनस T डेल्टा S, तो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस W यूजफुल और डेल्टा G इज इक्वल टू W यूजफुल, यही हमें प्रूफ करना होता है कि जो भी वर्क सिस्टम में प्रोसेस में जो यूजफुल वर्क होता है वो सिस्टम की फ्री एनर्जी चेंज या फ्री एनर्जी में डिक्रीज के बराबर होगा। मींस सिस्टम में जैसे जैसे यूजफुल वर्क होता जाएगा सिस्टम में, मतलब सिस्टम द्वारा सिस्टम की फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यही हमें प्रूफ करना था, मैं इसको आगे हटा देता हूँ और हम इस तरह से यहाँ पर यही हमें प्रूफ करना है कि does the useful work done by system, okay, is equals to decrease in free energy of system, okay बच्चों, कि जो आपने देखा कि डेल्टा G equal to W useful, जो वर्क सिस्टम कर रहा है उस सिस्टम के वर्क से उस सिस्टम की क्या होगी, फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है। तो ऐसा वर्क जो है लगातार चलता रहेगा जब तक कि फ्री एनर्जी अवेलेबल है। तो यहां तक बात समझ गए। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल वर्क में चले गए, इलेक्ट्रिकल वर्क, तो आपने देखा होगा माइनस डेल्टा जी होता है NFE, इसको बोलते हैं सेल वर्क, ओके, where n is equal to number of electrons which are taking part in cell reaction. Suppose Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus plus Cu, so n value 2 because 2 electron transferred here to here. And F 96500 coulomb farad, 1 farad, okay, and E is the cell potential, okay, जो कि वोल्ट में है। अगर हमें ये वैल्यूज पता हो, जैसे मुझे बता दे यहां से, अब इसी सेल के लिए डेनियल सेल जो है ये है Zn plus Cu2 plus gives Zn 2 plus Cu, E is equal to 1110 volt, N is equal to 2, so work calculate कर सकते हैं पहले free energy change, तो जाएगा minus 2 into 96500 into 1.10 coulomb into volt, ये coulomb में है ये volt में है, तो delta G is equal to माइनस टू इंटू 96500 इंटू 1.10 जूल, आंसर किसमें जाएगा बच्चों, जूल। इस तरह से तो ये है हमारा एक इलेक्ट्रिकल वर्क का, एक थर्मल कंडीशन में यूजफुल वर्क कैलकुलेट करना है। तो ये है अगर एक शेल दे रखा है तो आपने डेल्टा जी कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशन से। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से, यूजफुल वर्क और फ्री एनर्जी चेंज में क्या रिलेशन है, तो आप इसे नोट करें।